नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट आज आपके लिए एक स्पेशल विषय के बारे में जानकारी देना चाहूँगा मेरे पास बहुत सारे ऐसी कॉल्स सा आती हैं जो कहते हैं बंसल जी हमने अपने घर के किचन आग्ने कोने में यानी दक्षिण पूर्व के कोने में साउथ ईस्ट जोन में बनाई हुई है लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ना तो लगातार पैसा आ रहा है और घर के अंदर स्वास्थ्य भी खराब रहता है ऐसा क्यों हो रहा है हमने घर एज पर वास्तु बनाया लेकिन फिर भी दिखते क्यों आ रही है देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आपने किसी प्रोफेशनल से कंसल्टेंसी ली है तो वो व्यक्ति आपके यहां कभी भी गलती नहीं करेगा वो आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देगा यदि आपने अपने दिमाग से सारी चीजें सेट की है और एज पर वास्तु स्ट्रक्चर आपने बनवाया है लेकिन अंदर की वास्तु को सही नहीं कराया अंदर की वास्तु कैसे है? जैसे किचन के अंदर कलर स्कीम क्या होनी चाहिए मास्टर बेडरूम में कलर स्कीम क्या होनी चाहिए टॉयलेट के अंदर कलर स्कीम क्या होनी चाहिए मेन गेट पर कैसा कलर आना चाहिए स्टेस पर पत्थर किस तरीके का कैसे कलर का लगना चाहिए आपने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आपके यहाँ वास्तुदोष बन ही जाता है अब आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है किचन आपकी किचन साउथ ईस्ट जोन में आग्ने कोने में बनी हुई है और आपके यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कत है और जो लगातार पैसा आना चाहिए वो पैसा भी आपके यहां नहीं आ रहा तो ऐसा क्यों हो रहा है जो आपकी अपनी किचन है किचन आपने अपनी साउथ ईस्ट जोन में बनाई हुई है ये पूरे घर के साउथ ईस्ट जोन में किचन बनी हुई है ये आपका अपना ईस्ट है और ये आपके अपने घर का साउथ है और जो किचन बनी हुई है ये आपकी किचन साउथ ईस्ट जोन में बनी हुई है किचन में आपने अपना जो सिंक है सिंक आपने यहां पर आपने नॉर्थ वॉल पर आपने सिंक लगाया हुआ है ईस्ट वॉल पर आपने अपना बर्नर रखा हुआ है स्टोव रखा हुआ है और साउथ वॉल पर आपने अपना फ्रिज लगाया हुआ है साउथ वॉल पर ही आपका अपना माइक्रोवेव लगा हुआ है किचन की सेटिंग आपने प्रॉपर तरीके से सही की हुई है आपकी किचन की एंट्रेंस नॉर्थ से बनती है या वेस्ट से बनती है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सिंक आपका प्रॉपर जगह है गैस भी आपकी प्रॉपर जगह है फ्रिज ओवन माइक्रोवेव भी आपके प्रॉपर जगह पर रखे हुए हैं और फिर भी आपके यहाँ लगातार पैसा नहीं आ रहा और स्वास्थ्य खराब है तो ऐसा क्यों होता है यदि आपने अपने किचन की स्लैब पर ब्लैक कलर का पत्थर लगाया है या ग्रे कलर का पत्थर लगाया है या ब्लू कलर का पत्थर लगाया है स्टोन लगाया है तो ये मान के चलिए आपके यहाँ हेल्थ से संबंधित भी दिक्कत रहेगी और फाइनेंशली भी दिक्कत बनी रहेगी ऐसे ही आपने जो यहाँ पर फर्नीचर का काम कराया लकड़ी का जो काम कराया यदि उसके अंदर ब्लैक कलर है ब्लू कलर है या ग्रे कलर है तो भी आपके यहाँ पैसे आने में भी दिक्कत बनी रहेगी और स्वास्थ्य भी खराब रहेगा इसी के साथ आपको एक खास बात और बताता हूँ आजकल सिस्टम तो खैर बदल गए हैं लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह देखने में आता है कि जो आपकी अपनी किचन होती है पूरे घर का फर्श का लेवल तो बराबर कर देते हैं लेकिन किचन का फर्श का लेवल आधा इंच एक इंच के करीब नीचा कर देते हैं ताकि किचन के अंदर जो पानी है वो रोबी में ना आए डाइनिंग एरिया में ना आए तो ऐसे में जब किचन का फर्श का लेवल नीचा हो जाता है तब भी उस घर के अंदर अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा आप किसी भी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से सलाह जरूर लें यदि आपके यहाँ इस तरह के कलर किचन के अंदर हुए हैं या आपने किचन का फर्श का लेवल नीचा किया हुआ है या आपने किचन के अंदर फ्लोरिंग टाइल भी ग्रे कलर की ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की लगाई हुई है तो इस तरह की समस्याएँ आपके यहाँ देखने को ज़रूर मिलेगी तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं, हैं या अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट से सलाह जरूर लें ताकि वो आपके घर के अंदर सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेज करा सकें मैनेज का मतलब वास्तुशास्त्र के अनुसार उसको सही करा सके कहाँ किस दिशा में कौन सा कलर आना चाहिए कौन सा कलर अवॉइड करना चाहिए किस दिशा में फ्लोर लेवल ऊंचा होना चाहिए किस दिशा में फ्लोर लेवल नीचा होना चाहिए कहाँ पर फ्लोर लेवल इक्वल होना चाहिए इन सब बातों का ध्यान एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट ही रख सकता है तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपना नया घर बनाएं तो एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट से सलाह जरूर लें मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो मेरी इस इस वीडियो वीडियो को को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा ज़्यादा से शेयर करें मैं हमेशा ही आप लोगों को वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूं यदि आप जरूरत से ज्यादा परेशान हैं और आपकी किचन साउथ ईस्ट जोन में बनी हुई है और जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है ऐसे ही आपके यहां हो रहा है तो आप हमारे से ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और हमारे आने वाली नई वीडियो में मैं आपको किचन के अंदर के सेटअप के बारे में जानकारी दूंगा कि कहाँ पर क्या होना चाहिए किन किन खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए मैं आपको किचन के अंदर की बारीक से बारीक जानकारी अपनी आने वाली अगली वीडियो में जरूर दूंगा आप मेरे चैनल पर पहली बार है या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा और इस पुस्तक को प्रिंट कराकर उन्होंने समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया है आप भी हमारी यह पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी ये पुस्तक मंगवा सकते हैं मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार